लास्ट स्ट्रेंथ चैप्टर टू एग्जाम्पल नंबर सिक्स है। हमें डिवाइड करना है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से। तो देखो नॉर्मली डिवाइड हम नंबर्स का करते थे, अब पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं ये आज सीखेंगे। तो देखो 2x² को प्लस 3x + 1 को डिवाइड करना है x + 2 से। ऑलराइट, तो देखो हमें 2x² लेकर आना है। तो 2x² कैसे आएगा, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 2x² आ जाए, 2x से। ऑल राइट, 2x से मल्टीप्लाई करूंगी जो भी, तो 2x² आएगा। देखो 2x × x, तो 2x² हो गया। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4x हो गया। अब देखो साइन यहाँ प्लस है या माइनस, यहाँ प्लस है या माइनस, ये साइन कैसे चेंज करेंगे, नीचे वाले डिजिट को देख के साइन चेंज करेंगे, ठीक है। नीचे वाले डिजिट के सामने कौन साइन है उसको देख के साइन चेंज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप देखो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया यानी कैंसिल हो गया। अब प्लस माइनस माइनस, 3 में से 4 गया माइनस एक्स, ठीक है, एक ही तो बचा, एक एक्स, और प्लस 1 तो एज इट इज रह गया था, इसको उतार लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, माइनस एक्स है, अब हमें एक्स लेकर आना है। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें जो एक्स आ जाए, 1 से है ना, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी, तो माइनस एक्स आएगा। तो देखो क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया, और 2 - 2, क्योंकि 2 भी है यहाँ पे, देखो 2 × 1 = 2। अब साइन चेंज करेंगे, देखो ये माइनस है प्लस हो गया, यहाँ माइनस है प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया दोनों एक जैसे, और एक देखो प्लस 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 हो गया, 2 और 1 = 3, तो रिमाइंडर हमारा 3 बचा। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 7 भी एज इट इज है, इसको डिवाइड करना है इससे। देखो 3x³ + x² + 2x + 5 को डिवाइड करना है 1 + 2x + x². चलो डिवाइड करते हैं, हमें करना है डिवाइड। देखो पहले क्या करेंगे, जिससे हमें डिवाइड करना है तो उसको पहले हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इंक्रीजिंग जो डिग्री ऑर्डर है वो लिखेंगे। देखो x² की डिग्री ज़्यादा है, फिर 2x की उससे कम, और फिर उसके बाद प्लस 1, ठीक है, इससे डिवाइड करना है हमें इसको। 3x³ + x² + 2x + 5, ठीक है। तो देखो 3x की क्यूब लेकर आना है, ठीक है, 3x की क्यूब लेकर आना है। ऐसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x³ आ जाए, देखो x² ऑलरेडी है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3x से, है ना, 3x को मल्टीप्लाई x² से करूँगी, तो 3x³ आ गया, क्योंकि 2 × 1 = x और 1 × x = 3x हो गए। तो क्या हो गया, 3x³, और 3x को मल्टीप्लाई 2 से भी करना पड़ेगा, 2 × 3 = 6, तो क्या हो गया, 6x², ठीक है, प्लस 6x². अभी 3 को मल्टीप्लाई 1 से, तो 3x प्लस 3x। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब साइन चेंज करेंगे, साइन करेंगे हम ये जो लोअर डिजिट लिखे हैं उसको साइन देख के चेंज करेंगे। देखो ये प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस दिख रहा है ना, इसको चेंज करिए, इस साइन को देख के चेंज करना, ठीक है। तो क्या होगा, देखो प्लस माइनस से कंप्लीट कैंसिल हो गई, क्यों कैंसिल हो गई, क्योंकि दोनों सेम एक जैसे दिख रही है ना, तो कैंसिल खत्म। देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 में से 1 गया 5, तो साइन बढ़ेगा क्योंकि माइनस का 6 है, इसलिए माइनस 5x², ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 3 गया 1 बचा, यानी 1x बचा, माइनस का साइन रहेगा क्योंकि 3 के आगे बड़ा साइन है, और प्लस 5 एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं करेगी, सेम टू सेम उतार लेंगे। आप क्या करेंगे, अगला हमें ऐसा करना है कि 5x आ जाए, क्योंकि हमें से भी कैंसिल करना होगा ना, तो 5x को ऐसा कौन सा नंबर लिखना है जो 5x मल्टीप्लाई करे x² से, तो 5x आ जाए, 5 होगा, तो माइनस 5 ले रही हूँ, ठीक है, माइनस 5 को मल्टीप्लाई x² से करूँ तो माइनस 5x² हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 5x² हो गया। अब 5 को मल्टीप्लाई 2x से करूँगी तो कितना हो गया, माइनस 10x हो गया। ऑल राइट, और 5 को माइनस 5 को मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो अब क्या होगा, माइनस 5 आ जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे अगेन, यहाँ माइनस है, यह प्लस हो गया, यहाँ माइनस अगेन प्लस हो गया, यहाँ माइनस है फिर से प्लस हो गया, ठीक है, साइन चेंज कर दिया हमने, और दोबारा ये एक जैसे हैं तो कट जाएंगे यानी कैंसिल हो गए, राइट। अब क्या करेंगे, देखो माइनस प्लस माइनस हो गए, 10 में से 1 गया 9, और देखो पॉजिटिव 9 क्यों आया, क्योंकि
दस के आगे जो साइन है ये प्लस का, क्योंकि मैंने दस को देखो माइनस था, इसको साइन चेंज करा था मैंने, तो पॉजिटिव हो गया टेन, तो टेन क्या हो गया बड़ा नंबर है एक से, तो पॉजिटिव नाइन एक्स आ गया। और देखो प्लस 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 हो गया, पाँच और पाँच दस हो गया, तो हमारा रिमाइंडर आ गया नाइन एक्स प्लस टेन।